हेलो दोस्तों, श्रेणी मूड में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम 9 जून को समाप्त हो चुका है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, बहुत से लोगों ने कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर इस पर आप बता दीजिए कि सेफ स्कोर क्या होगा, कि हम लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ या सेफ स्कोर का, ले आप ठीक जो भी बोल सकते हैं, इंस्पेक्टर कट ऑफ भी कह सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो पहले एग्ज़ाम का देख लेते हैं। एग्ज़ाम जो है 200 अंकों का होगा। जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो आपके नंबर में बताऊँगा, मीन्स कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि अगर नंबर है तो 100 क्वेश्चन होगा, इसके दुगना कर लीजिएगा तो आपका नंबर पता चल जाएगा। तो मैं जब भी बताऊंगा क्वेश्चन में बताऊंगा कि कितने से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं। ठीक, 2 घंटे तक एग्ज़ाम हुआ था और जो इसमें 30% अंक लाना जरूरी है। 30% कहने का मतलब कि 60 अंक कम से कम आना जरूरी है किसी भी श्रेणी में हो। साथ में इसका रिक्तिया जो होगा वो 20 गुना होगा, मीन्स कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसका अगर 20 गुना करते हैं तो 12 दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2520 रिजल्ट देना है। ठीक, कितना रिजल्ट देना है, 2520 रिजल्ट देना है प्रीलिम्स के लिए। और वहीं जब मेंस के लिए दिया जाएगा फिजिकल में तो 6 गुना दिया जाएगा। ठीक, ये मेंस के लिए दिया जा रहा है और फिर मेंस का जब एग्जाम होगा तो वो पीटी मीन्स के फिजिकल के लिए दिया जाएगा, तो वो 6 गुना दिया जाएगा। तो ये 20 गुना रिजल्ट आपको दिया जाएगा। और इसमें भी अलग अलग जो श्रेणी के सीट है वो अलग अलग है, उस श्रेणी पर ही हम लोग बात करेंगे। टोटल 126 सीट है। तो आइए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं अनारक्षित वर्ग से। अनारक्षित वर्ग कहने का मतलब कि इसमें सब लोग फाइट कर सकते हैं। और इसमें महिला पुरुष, देखिए महिला का तो अलग सीट है ही, साथ में महिला पुरुष दोनों का सम्मिलित सीट दिया हुआ है। कहीं भी पुरुष का सीट नहीं दिया हुआ है, महिला पुरुष सम्मिलित दिया है और साथ में अलग से भी महिला का दिया हुआ है। तो अगर महिला इसमें बहुत ज़्यादा ये फायदा में हो सकती हैं और यहाँ पर लगभग 65 से 70% महिला का ही चयन हो सकता है, इसमें अनुमान भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे होगा, देखिए अगर महिला ने अच्छे से एग्जाम दिया होगा तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे समान वर्ग और अनारक्षित वर्ग की पुरुष और महिला के लिए, देखिए दोनों के लिए ये सीट है, कितना है 42 है। और यहाँ पर देखिए अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए मात्र कितना है, 21 सीट है मात्र, नहीं मिस की ये टोटल जो सीट है वो मात्र 126 सीट ही है। कितना में 21, ये आप बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए समान वर्ग की महिला और अनारक्षित दोनों एक ही वर्ग है। ठीक है, इसमें सब लोग फाइट करता है, जो आरक्षित वो भी करता है, अनारक्षित दोनों करता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी के लिए है। तो ये समान वर्ग की महिला और अनारक्षित जो भी है 21 सीट है, इसका 20 गुना रिजल्ट, और इसमें भी ये फाइट करेंगे। ठीक है, मीन्स की समान वर्ग के पुरुष महिला का सीट जो है उसमें भी। तो हम लोग इसमें ये देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि मेल का क्या होगा और फीमेल का क्या कटअप होगा। ठीक है, साथ में हम लोग देख लेते हैं शुरू से कि किसका कितना सीट है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो सीट है पुरुष कम और पुरुष महिला दोनों मिलाकर ये 42 सीट है। समान वर्ग या अनारक्षित वर्ग में महिला के 21 सीट है। पहले हम लोग सीट देख लेते हैं। पिछड़े वर्ग की जो महिला है उसका 3% सीट मिस के अलग, मिस की 4 इसका हो जाएगा, 126 का 3% मिलाइएगा। तो अब पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 5, तो ये 4, 5, 9 तो महिला के लिए हो ही गया, साथ में ये पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला का जो सीट है 10, इसमें भी ये चाहेंगी तो सीट ले लेंगी। ठीक है, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला क्या है, 10 सीट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष दोनों को मिलाकर 13 सीट है और सबका 20-20 गुना रिजल्ट देना है। इस बात को भी देखिए, ये जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति की महिला 1 भी सीट नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला मिला लिया जाए तो मात्र 1 सीट है और इसके 20 गुना रिजल्ट, मीन्स की 20 रिजल्ट देना है। तो लगभग जो अनुसूचित जनजाति का रिजल्ट चला जाएगा वो सामान्य वर्ग जो अनारक्षित वर्ग की महिला है उसी में से ये सीट निकालेगी। क्योंकि अनारक्षित मान लीजिए कि कोई अनुसूचित जनजाति का लड़की एग्जाम दी है और वो नंबर ला दे रही है, तो उनका जो कटअप बनेगा वो अनारक्षित वर्ग में जो सीट है 21 सीट है महिला का वहाँ से, और जो 42 सीट है महिला पुरुष दोनों मिलाकर अनारक्षित वर्ग में वहाँ से भी सीट निकाल सकती है। तो जो कटअप उनका बनेगा वहीं बनेगा और जो पुरुष का भी कटअप लगभग वहीं चला जाएगा, क्योंकि सीट देखिए मात्र 1 ही है। अब बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जाति महिला के लिए, 8 सीट है और अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों मिला लिया है तो 12 सीट है। तो हम लोग धीरे धीरे कर आराम से समझ लेते हैं कि किनका कितना कटअप जाने वाला है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सामान्य वर्ग की या अनारक्षित वर्ग की पुरुष और महिला। ये इनका जो पुरुष का पहले हम लोग बात करते हैं, फीमेल का अनारक्षित वर्ग फीमेल का, फिर बाद में हम लोग मेल का बात करेंगे। तो जो फीमेल का अनारक्षित वर्ग का जाएगा, ठीक, जिसे हम लोग समान वर्ग भी यहाँ पर लिखा हुआ है, समान भाषा हम बोल सकते हैं, ये फीमेल का लगभग कितने जाएगा, तो अगर 65 की क्वेश्चन, इससे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर आप कर सकती है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन प्लस और 2 क्वेश्चन माइनस। ठीक, अगर 65 के करीब ये सही कर रही हैं और सही की होंगी तो इनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, सेफ मार्क्स में है, ये मेंस की तैयारी अपना कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं मेल की बात करते हैं तो इनका लगभग 70 से 75 के बीच अगर बन रहा है, मीन्स की क्वेश्चन सही बन रहा है, क्योंकि निगेटिव भी है, 0.2 क्या है निगेटिव है, मीन्स की अगर 5 क्वेश्चन आपने गलत किया है तो एक सही वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आपका खुद ही कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.2 निगेटिव होने के कारण बहुत लोग ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, रिस्क लिए हैं, तो उसे निगेटिव ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि
देखिए 0.2 भी नेगेटिव है, फिर भी वो नेगेटिव है, ठीक। पांच क्वेश्चन अगर मान ले, बाय द वे पांच ही क्वेश्चन मात्र आपका गलत होता है तो साथ में एक क्वेश्चन सही भी हो जाएगा, ऐसे मिलाकर छह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 10 भी क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर दिए होंगे निगेटिव, तो दो वैसे और 12 ऐसे 14 क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर ठीक, साथ में कोई 85 क्वेश्चन किया है, कोई 80 क्वेश्चन किया है, कोई 95 किया है, कोई कोई तो 100 भी क्वेश्चन कर लिया है, और कहीं कहीं 62% लोग उपस्थित थे, कहीं 65% से कहीं ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं थे एग्जाम देने के लिए, इस बात पर भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि समान वर्ग की महिला का बात हो गया, समान वर्ग के पुरुष का बात हो गया, ठीक। अब आते हैं ऊपर की तरफ, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि अनुसूचित जाति की महिला, ये पुरुष महिला दोनों के लिए कितने सीट है, 12 सीट है। इसके 20 गुना अगर रिजल्ट देता है तो 12 दोनों की 24 में इसकी 240 सीट में महिला पुरुष दोनों, और साथ में जो अलग से महिला है अनुसूचित जनजाति की, इसका 20 गुना में इसकी 8 दोनों की 1660 सीट में ये फाइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनका, पहले मेल का देख लेते हैं, अनुसूचित जाति में मेल का और फिर फीमेल का हम बात करते हैं। तो अनुसूचित जाति जो मेल का अगर कटअप हम लोग देखते हैं तो इसका जो जाएगा लगभग, ये जो मेल का कटअप चला जाएगा वो चला जाएगा 55 से 60 के बीच, 55 से 60 के करीब आपका नंबर अगर बन रहा है, मीन्स की नंबर नहीं, आपका मार्क मीन्स की क्वेश्चन बन रहा है सही, तो आप कर सकते तैयारी, मीन्स की 60 के करीब बन रहा है तो। और फिर हम फीमेल का बात करते हैं तो ये 55 के करीब आपका बन रहा है तो आप तैयारी कर सकती हैं, ठीक है। 50 से 55 के बीच आपका बन रहा है तो आप तैयारी कर सकती हैं। फिर हम लोग आते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक, कि ये जो शेड्यूल ट्राइब है इनके बारे में, अनुसूचित जनजाति का पुरुष महिला का सीट कितना है, 1 सीट है मात्र, और महिला के लिए कितना है, वो 0 सीट है। तो इनका जब भी कटअप बनेगा वो अनारक्षित वाला सीट में ही ज़्यादातर लेंगे, क्योंकि ये 20 है, 20 गुना होगा तो 20 रिजल्ट यहाँ से निकलेगा, लेकिन अनारक्षित में कितना है तो 42 सीट है, कितना 42 सीट है, और 42 सीट ये सिर्फ महिला पुरुष दोनों के लिए है, साथ में महिला के लिए कितने सीट है, 21 सीट है, इसमें 200, तो इसका क्या हो जाएगा, इनका डबल कीजिएगा तो ये आ जाएगा लगभग 840, और इनका डबल कीजिएगा तो 20 गुना, इसकी डबल नहीं 20 गुना करना है आपको, तो 20 गुना करने पर आ जाएगा इसका आधा, इसकी आपको 420 आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें ही ये अपना सीट निकालेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के, अनुसूचित जनजाति का पुरुष अगर क्वेश्चन बनाए हुए हैं लगभग 70 से ऊपर, 70 के करीब अगर इनका बन रहा है तो ये अपना रिजल्ट दे सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति की महिला जो है, अनुसूचित जनजाति की महिला अगर उनका बोला जाए कितने लाना होगा, तो उनका भी लगभग 65 से 70 के बीच नंबर अगर आ रहा है तो वहीं उनका सीट ले लेंगी, अनारक्षित वर्ग में से सीट ये ले लेंगे, ठीक। अब आता है EBC और BC, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ये में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष दोनों और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, तो हम लोग पहले मेल के लिए बात करते हैं, EBC मेल के लिए, ठीक। EBC मेल का जो कटअप बनेगा वो कितना बन सकता है आपका, तो 65 सीट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 65 से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। और EBC फीमेल का लगभग 60 के जाएगा, 60 से कम जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये 60 जो होगा ये क्वेश्चन सही होने का मैं बता रहा हूँ, अगर इसका नंबर आपको निकालना है तो इसके दुगना कर दीजिए, 120 यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी भी मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा, और फीमेल का मैंने कितना बताया, 60 बताया EBC का, और मेल का कितना बताया, 65 बताया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग पिछड़ा वर्ग, जब भी EBC से जाएगा इनका कटअप ज़्यादा ही जाएगा, पिछड़ा वर्ग की पुरुष महिला दोनों का, ठीक। महिला का कम जा सकता है क्योंकि महिला में देखिए ये 4 सीट अलग से, 3% जो सीट है पिछड़े वर्ग की महिला का, और पिछड़े वर्ग की महिला का जो 5 सीट है ये अलग से है, तो ये दोनों मिलाकर 9 सीट है, और ये जो 10 सीट है इसमें से भी पुरुष महिला ले सकती है, क्योंकि ये पुरुष महिला दोनों के लिए है, ठीक है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं BC के बारे में, ठीक है, जो कि पिछड़ा वर्ग के बारे में, मेल के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग का जो मेल है उनको कितना लाना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इनको लगभग 68 से 70 के बीच अगर सही हो रहा है क्वेश्चन तो इनका रिजल्ट बन सकता है, और BC के फीमेल का लगभग 60 से 62 के बीच अगर बन रहा है तो उनका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक। ये मैं बात किया पिछड़ा वर्ग की महिला और पुरुष का, ठीक। महिला के लिए 60 से 62 या मोटा मोटी 65 कह सकते हैं, और जो मेल है उनका कम से कम 68 से 70 के बीच बनना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका पूरा कट ऑफ, आई थिंक अब कोई नहीं छूट रहा है इसमें से, ठीक है। मेल फीमेल सब हो गया, बीसी का भी हो गया, EBC का भी हो गया, और जनरल ये सब हो गया। अगर वीडियो को पीछे कीजिएगा तो फिर अच्छे से समझ जाइएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से अपने कैटेगरी का देख सकते हैं, ठीक। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना मार्क्स शेयर कीजिए कि मैंने सर इतना करीब क्वेश्चन किया है, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहा था कि सर मैंने 70 ही क्वेश्चन किया है, किसी ने बोला मैं 85 क्वेश्चन किया है, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन लगभग सही किए हैं, ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।